हेलो एवरीवन, आई एम करने वाले हैं कि चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सआई 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको 8.1 जो क्वेश्चन नंबर था वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन सुना दिया, बेस्ट इंट्रोडक्शन है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, प्लीज़ उसे देखिए। अब देखिए इसमें क्या है कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फाइंड टेन पी जो वैल्यू है टेन पी और माइनस कॉट आर। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं जो मैं आपको लिखा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखिए हर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ये बी है, ठीक है। तो ये जो किसकी आई ये तो टेन का है, ठीक है, टेन का मान लेते हैं। अब हमें निकालना है टेन पी निकालना है, तो जिस एंगल के साथ बनता है तो वो तो दो, ये इसमें क्यू का 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने एंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। और जिस एंगल के साथ बनता है मतलब एंगल पी बनाए तो ये तो हो जाएगा आपका बेस, और जिस एंगल के जो अपोजिट बनता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो देखिए टेन पी निकालने के लिए हमें कहती है पहले परपेंडिकुलर करना, पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है। तो ये परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, हमें पता है हाइपोटेन्यूज है ये, हमें इसको निकाल सकते हैं कि क्यू आर स्क्वायर क्या हुआ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये 169 माइनस 144, तो देखिए 5 बचा और ये 2, मतलब कि वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, या कोई 5 आ गई। हमने इस तरह से निकाल दिया पाइथागोरस साउंड लगा के, ठीक है। अब देखिए हमें टेन पी निकालना है, मतलब पी के वैल्यू परपेंडिकुलर लिख दीजिए 5 अपॉन बेस, बेस की वैल्यू कितनी है 12 है, ठीक है। अब देखिए माइनस कॉट आर, अब देखिए कॉट आर यहाँ है और इसे आप पूरा हटा दीजिए, हमने कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है, ये तो 5 था ही। अब ये वाली कॉट आर है, देखिए ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल सामने, ठीक है, हमें क्या है कॉट आर के लिए इस बार ये बेस हो गया, एंगल के सामने वाली चीज वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब कॉट की वैल्यू क्या है, कॉट रेसिप्रोकल चलता है, मतलब कि ये बी अपॉन पी हो जाएगा। अब बेस क्या है, बेस फाइव है और आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका कितना है 12 परपेंडिकुलर, बेस आपका 5 है इसका और परपेंडिकुलर कितना है आपका 12 है, तो आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हमें साइन ए दे रखा है 3/4, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कॉस ए और टेन ए क्या हुआ। तो देखिए पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, आप अच्छे तरह से ट्रायंगल बना लीजिए, उससे हम देखते हैं हमें क्या करना है। अब देखिए मैंने आपको साइन ए की वैल्यू बताई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जो ये वाली वैल्यू है वो क्या देती है आपको साइन देती है। अब देखिए मान लो मैं ये वाला एंगल बनाता हूँ ए बी सी, आप अपनी तरफ से एंगल बना सकते हो, मैंने ये वाला एंगल ले लिया है आपका ए, तो देखो जिस एंगल से आ जाऊंगा ये तो बेस हो गया, सामने वाला जिस एंगल वो परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज तो है ही, तो वो 90 डिग्री सामने है, सॉरी 90 डिग्री है। अब देखिए परपेंडिकुलर लिखिए, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर वैल्यू है और ये हाइपोटेन्यूज वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज वैल्यू है, तो ये 4 हो गया, परपेंडिकुलर 3 हो गया। अब ये बेस कैसे निकलेगा, बेस आ पाइथागोरस लगाइए इसमें कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है, ये 16 माइनस 9 और ये वैल्यू कितनी बचेगी आपकी 7, मतलब ये वैल्यू आपकी रूट 7 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अब ये वैल्यू स्क्वायर चल जाएगी, ये आपको रूट 7 आ गया। अब हमें कहना है कॉस ए निकालनी है, देखो कॉस ए निकालने के लिए मैं आपको बता रहा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो ये बेस की वाली क्वांटिटी है हमें देती है कॉस, ठीक है, तो हमें क्या कॉस ए निकालने के लिए क्या है, हम लिखेंगे पहले बी अपॉन एच। अब देखिए कॉस ये वैल्यू ए यही तो है, ठीक है, देखिए कॉस ए के लिए बेस हमारे पास क्या है, जिसे एंगल साथ होता है वो बेस होता है, बेस कितना है रूट 7 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 4, तो ये आपका कॉस ए की वैल्यू हो गई। अब दूसरी निकालिए टेन ए, टेन ए की वैल्यू निकालिए, टेन ए की वैल्यू क्या है पी अपॉन बी, मतलब पी अपॉन बी इसी एंगल से देखना है, पी अपॉन बी इस एंगल से नहीं देखना, तो पी अपॉन बी क्या है इसमें परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है आपका रूट 7 है, रूट 7, ठीक है, यस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 15 cot A = 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए और साइन ए और sec A। तो देखिए मैं 15 ये कितना है 15 cot A है, तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं cot A = 8/15 कर लिया। अब भी मैंने कहा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो वैल्यू है मैं पी अपॉन बी, ये किसकी 10 की है और 10 का जो रेसिप्रोकल होता है 10 का जो रेसिप्रोकल होता है वो मैं cot A देता है, cot A देता है, ठीक है। तो देखिए 10 की वैल्यू क्या है पी अपॉन बी, अब कॉट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे बी अपॉन पी कर देंगे,
जो वैल्यू दे रखी है आपको क्या है, ये बेस है और ये किसी ट्राइंगल की ये परपेंडिकुलर है। तो मान लो मैं आपको यहाँ ट्राइंगल बना के रख दिया और मैं इस एंगल को मान लेता हूँ, ठीक है, मतलब ए बी सी जो ट्राइंगल होगा वो क्या 90 डिग्री है, ठीक है, ये तो हाइपोटेन्यूज होगी। अब ये बेस जिस एंगल के साथ बनता है वो लाइन क्या होती है, बेस बन जाती है, मतलब बेस क्या 8 हो गया। अब सामने वाला जो एंगल सामने जो साइड होती है वो आपको क्या परपेंडिकुलर होती है, मतलब परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, ये 15 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। अब देखो ये क्या कितना होगा, हमें ए सी निकालना है ना, तो ए सी के लिए आप ला दीजिए 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये 64 हो गया, ये 225 हो गया, ये 0 ये 9 हो गया, 8 हो गया और ये 2 हो गया, जो ये वैल्यू देगी आपको मिनिमम आपको 17 आ गया, ठीक है। इस ए सी स्क्वायर वैल्यू है, जब उसका ए सी वैल्यू निकालेंगे तो आपको 17 देगा, ठीक है। अब हमको हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। अब देखिए साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है पी अपॉन एच, मतलब पी अपॉन एच, साइन एंगल यही तो है, तो इस चीज़ से देखेंगे देखो ये बेस है हमारा, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, तो पी की वैल्यू कितना है 15 है और एच की वैल्यू कितनी है हाइपोटेन्यूज 17 है, ठीक है। अब देखिए सेक ए की वैल्यू निकाल लिए, अब सेक ए किसका बोल, देखो हमें तो ये कॉस की मालूम है, और देखिए कॉस की वैल्यू क्या है बी अपॉन एच, तो कॉस ही उल्टा होता है सेक का, तो सेक की वैल्यू क्या होगी एच अपॉन बी, लिख दीजिए एच अपॉन बी। अब एच क्या है यार 17 है और बेस क्या आपका 8 है, आपके आंसर आ गया। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेक ए की वैल्यू दे रखी 13/12, तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बतानी है, मतलब कि देखिए ये आपको सेक ए दे रखा है, तो देखिए ये सेक ए की वैल्यू क्या होती है, देखिए मैं बता रहा सेक किसका कॉस का उल्टा होता है, तो हमें कॉस दे रखा है हमें बी अपॉन एच, और सेक का ही उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक की वैल्यू एच अपॉन बी, जो आपको वैल्यू दे रखी है वो एच अपॉन बी दे रखी है। इसका आप बढ़िया सा ट्रायंगल बना लीजिए, लीजिए हमारा ट्रायंगल बन गया, एंगल जो यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या देखिए एच क्या है 13 है, तो ये एंगल 13 हो गया, बेस क्या है 12 है, जब आप बी सी निकालोगे ये बेस हो गया ये परपेंडिकुलर, तो कैसे निकलेगा आपको पता है कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आप लिख के दोगे कि बी सी इक्वल्स टू निकालने के लिए, तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144, तो ये 5 और 2 बचा, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और बी सी वैल्यू आपकी 5 आ गई, ठीक है, तो ये आपकी 5 आ गई। अब हमें क्या है ऑल ट्रिग्नोमेट्री निकालनी है, ऑल मतलब कि हमें साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, और सेक तो हमें दे रखा है नोन है, मतलब 13/12 दे रखा है, और हमें कोसेक निकालना है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, अभी कि सेक दे रखा है तो सेक का उल्टा कॉस होता है, तो उसका उल्टा कर दीजिए, मतलब 12/5, तो ये तो आ गया, ठीक है, ठीक है। अब निकालते हैं साइन ए, ये सेक है हम निकालते हैं साइन ए की, साइन ए की क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। अब परपेंडिकुलर वैल्यू इसमें क्या है, परपेंडिकुलर में 5 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, ठीक है। अब साइन ए वैल्यू करेगी तो हम इससे कोसेक निकाल सकते हैं, कोसेक ए किसका उल्टा स्कल्ट होता है, मतलब एच अपॉन पी होता है, तो लिखिए 13/5 लिख दीजिए। अब हमें टेन ए की निकाल देते हैं, चलो अब निकालते हैं टेन ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें 5 है, बेस कितना है 12 है, ये आपकी परपेंडिकुलर निकलाया। अब पता है हमें टेन ए का कॉट ए होता है, कॉट ए उल्टा होता है, बी अपॉन पी होता है, तो लीजिए बी कितना नीचे कर दीजिए 13 और बी आपका 5 आ गया, देख टेन निकलाया कॉट निकलाया साइन कॉसेक और कॉस निकाल दिया इससे सेक से उल्टा करके, ठीक है। आपकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको ये आपको जो है ना क्वेश्चन 5 ये आपको प्रैक्टिस करवाएगा, इस तरह से कर लेना। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल है और कॉस ए एंड कॉस बी उसके इक्वल है, तो शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो देखिए हमें नहीं पता कि ट्रायंगल किस तरह का देखा है, तो हम मानते हैं जो ट्रायंगल बनेगा वो इस तरह का बन सकता है, मतलब यहाँ ए रहा होगा और यहाँ बी, यहाँ सी कर लीजिए, यहाँ डी कर लीजिए। अब यहाँ दूसरा एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ बी रहा होगा, यहाँ एम कर लीजिए, यहाँ एन कर लीजिए, ठीक है, ये जो एंगल है। अब यहाँ किस क्या दे रखा है कि कॉस ए और इक्वल्स टू कॉस बी दे रखा है, ठीक है भैया, कॉस ए निकाल दो इसका, कॉस ए क्या निकलेगा हमें पता है कि कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस की वैल्यू होती है, तो देखिए इसका ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज,
क्योंकि एंगल वाला बेस होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए इसका बेस कितना है, इसका पहला बेस लिखते हैं ए सी अपॉन, इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, इसका ए डी इक्वल्स टू, इसका देखिए कॉस बी का बेस कितना है बी एम इक्वल्स टू कॉस, और इसका हाइपोटेन्यूज देखिए क्योंकि इसका भी तो हमें क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस के लिए दे रखी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज देर का, तो इसका हाइपोटेन्यूज है इसका बी एन। अब देखिए हमें क्या इसको के इक्वल रख दे रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बताना है, तो हमें क्या है इन दोनों एंगल को बाई द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को मैं क्या है प्रूव करना पड़ेगा, मतलब सिमिलर ट्रायंगल दिखाना पड़ेगा जो कि हमने चैप्टर 6 में किया था। तो अब देखिए मैं करता हूँ, पहले इसको लिखता हूँ कि ए सी अपॉन ए डी इक्वल टू के, तो हमें ए सी की वैल्यू कितनी मिल गई, ए सी मिल गया ए डी, मतलब कि सही लिखो ए डी डॉट के, ठीक है। अब इसको लिखता हूँ कि बी एम किसके इक्वल आएगा के बी एन। अब देखिए हमने क्या है ये निकाल लिया और ये रह गया, मतलब हमारा परपेंडिकुलर ये रह गया, तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ सी एन निकालने के लिए, क्योंकि देखो ए सी निकलाया ए डी निकलाया पर हमारा ये तो रह गया ना, देखिए मैं सी डी मतलब कि सी डी को निकालने के लिए हम क्या निकालने के लिए क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज मतलब ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, अपॉन इसमें कर लीजिए। इसका बी एन एम एन एम एन निकालने के लिए ये होगा, मतलब कि हम इसका तभी निकालें राइट एंगल ट्रायंगल लगा के, ठीक है हाँ। तो देखिए इसका एम एन निकालने के लिए तो अंडर रूट क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, एम एन के लिए बी एन का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे देखो हमने क्या है ए डी था ना, जो ए डी को आप ए डी एन दीजिए ए सी को रखिए, देखिए ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी वैल्यू पुट करिए, ए सी वैल्यू इसमें क्या है ए डी स्क्वायर डॉट के स्क्वायर है बिल्कुल है हाँ। अब यहाँ आप सेम रखिए, आप बी एम की वैल्यू यहीं पुट करिए, बी एम की वैल्यू पुट करिए, तो आप बी एम की वैल्यू पुट करेंगे तो बी एन का स्क्वायर माइनस ये बी एम है इसका स्क्वायर हो गया, मतलब के स्क्वायर डॉट बी एन का स्क्वायर, इतना हो गया आपका ठीक है यस। तो देखिए इसमें अभी कट नहीं रहा, हमने थोड़ी सी गलती इसमें कर दी, तो आप एक यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस वैल्यू को। देखिए मैं क्या करता हूँ ए सी अपॉन इसको क्या करता हूँ बी एम इक्वल्स टू ये ए डी ऊपर चलाएगा ए डी अपॉन बी एन, मैंने इसे इस वजह से किया क्योंकि हमें ए डी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, देखिए इक्वल्स टू के रख दीजिए, हमने इसको चेंज कर लिया इस फॉर्म को, अब क्या लिख सकते हैं ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी के बी एम हो जाएगा ठीक है, और ये ए डी की वैल्यू क्या होगी ए डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको बी एन डॉट के। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको फायदा मिलेगा, अब देखिए जो मैं आपको इस पॉइंट को यहाँ से हटाइए आप यहाँ लिखिए, जब आप ए डी की जो वैल्यू है ना आप ए डी वैल्यू पुट करिए, ए डी वैल्यू क्या है बी एन के मतलब बी एन स्क्वायर डॉट के स्क्वायर माइनस, अब ए सी वैल्यू लिखिए ए सी वैल्यू बी एम डॉट के मतलब बी एम स्क्वायर डॉट के स्क्वायर। अब आपको पता चला होगा तो नीचे जो लिखा हुआ है अंडर रूट में कि बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, तो देखिए इसमें क्या है आपका के कमर आएगा, जो के कमर आएगा के बाहर निकल आएगा, तो बचा क्या इसमें वैल्यू बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर कट गया, मतलब आपको क्या बोला कि सी सी डी अपॉन एम एन इक्वल टू के है, और आप यहाँ से देख सकते हैं कोई ए सी अपॉन ए डी बी एम अपॉन एन, मतलब आप इसे इक्वेशन बना लीजिए इक्वेशन टू, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू जो ट्रायंगल कौन से ले लीजिए आप मान लीजिए ए बी सी, देखो सिमिलर करने के लिए ये साइड इसकी सिमिलर होनी चाहिए, तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी डी मतलब कि ए सी डी सिमिलर बी एम मतलब कि ए सी मतलब बी एम डी मतलब बी एम एन, क्या ये सिमिलर है, तो आप देखते हैं इसे चेक करके यस बिल्कुल सिमिलर है, देखिए ए सी अपॉन बी एम आना चाहिए तो ए सी अपॉन बी एम आ रहा है ठीक है। अब दूसरा देखिए सी डी अपॉन एम एन सी डी अपॉन एम एन, और तीसरा देखिए ए डी अपॉन बी एम मतलब कि ए डी अपॉन बी एन बिल्कुल सिमिलर है, ये तो हो गया आपका मतलब कि एक डिफरेंट केस से। मैं आपको इसी का दूसरा पार्ट दिखाता हूँ ठीक है।
अगर आप इसे उसी को, ये तो था डिफरेंट एंगल से, जो कि क्योंकि एंगल बुरा नहीं था, तो मैं इसे आपको दूसरे एंगल से करके दिखाता हूँ कि एक ही एंगल में, मतलब कि ए सी बी। अब देखिए कॉस निकालिए, कॉस ए निकालने के लिए ये बेस है, तो इसके लिए जो बेस क्या है, कॉस की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच होता है, मतलब कि ए सी अपॉन ए बी, बिल्कुल ठीक है। कॉस बी निकालिए इसका, जब कॉस बी निकाले तो ये बेस होएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि इसका बेस क्या है, बी सी अपॉन ए बी। आप देखेंगे कि ए बी से ए बी कट गया, ए सी इक्वल टू, देखिए ए सी इक्वल टू कितना आ गया, बी सी आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। आप क्लास में फॉर्म पढ़ी थी ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो वही है, जब साइड इक्वल हो जाती है तो उनके एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये था आपका केस सेकंड, मान लीजिए फर्स्ट केस वो था कि आप दोनों दो डिफरेंट ट्रायंगल मानोगे, फिर उनका मतलब कि आप चेक करोगे कि इक्वल रखोगे, आपको जो केस बढ़िया लगे वो आप कर लीजिए। अब करते हैं आपके अगले क्वेश्चन। तो यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि कॉट थीटा देखा है 7/8। पहले हम देखते हैं कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, बी अपॉन बी है, तो कॉट थीटा भी बी अपॉन पी हो जाएगा, मतलब ये बी दे रखा है अपॉन पी दे रखा है। तो आप एक एंगल बना लीजिए जिसमें थीटा एंगल ये रखा हो, जो ए बी सी, तो बेस क्या रहेगा आपका 7 और पी आपका 8 रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है, जब हमें क्या है ए सी की जरूरत पड़ेगी वो साइन थीटा है, तो आप ए सी का निकालिए, हमें ए सी स्क्वायर वैल्यू क्या निकल पड़ेगी, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49 कितना आएगा 3, और ये 10 11, मतलब कि आपके रूट में कितना ही 113 वैल्यू आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब देखिए देखिए आप इसे दो तरह सॉल्व कर सकते हैं, या तो हमें यहाँ वैल्यू साइन थीटा में रखिए, नहीं तो देखिए आपको पता है कि इसमें ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ठीक है, तो लिखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। देखिए यहाँ भी एक वही आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू क्या बन जाएगी, आप यहाँ देखिए कि 1 की वैल्यू 1 रहेगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ रहेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा वैल्यू क्या आएगी, तो साइन थीटा वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच, बिल्कुल ठीक है। तो पी की वैल्यू किसमें क्या है, जब एंगल ये वाला है तो पी की वैल्यू यहाँ 8 हो जाएगी और एच की वैल्यू हो जाएगी रूट 113। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितने यहाँ 7 है, हाइपोटेन्यूज वैल्यू है 113, तो अब 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करिए, देखिए 1 की वैल्यू 1 रहेगी माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113 का रूट हट जाएगा, जब वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, सॉरी यहाँ देखिए एलसीएम इस तरह से आएगा 113। अब यहाँ करेंगे तो 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। अब आप देखिए जब इससे माइनस करोगे तो 34 मतलब 9 बचेगा, 10 में से यहाँ वो है 4 बचेगा अपॉन वैल्यू ये, इससे माइनस करोगे 3 4 5 6 7 8 9 मतलब यहाँ 4 बचा, यहाँ 10 में से वो 6 बचे अपॉन, इससे वैल्यू ये कट जाएगी, मतलब वैल्यू 49 अपॉन 64 आपका आंसर आ जाएगा एट लास्ट। यस, अब देखिए इसका कॉस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो देखिए यही तो वैल्यू है कॉट कॉट थीटा की, तो 7 अपॉन 8 का इसका स्क्वायर कर दीजिए, सेकंड पार्ट है 49 अपॉन 64 आ गया, ये आपकी वैल्यू, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि कॉट ए 3 कॉट इक्वल टू 4 है, हमें चेक करके बताना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, इक्वल है या नहीं। तो देखिए भैया हम पहले करते हैं कि कॉट ए इक्वल टू 4 अपॉन 3, ठीक है, और 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 को बोलते पी अपॉन बी होता है, तो क्या होगा, बी अपॉन पी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक सही है। तो बी अपॉन पी मतलब इसे ट्रायंगल जो बनेगा, हम इस तरह से बना सकते हैं एक ट्रायंगल जिसका एंगल ये रहा होगा, तो इसका देखिए ये ए बी सी, तो ये एंगल साथ बनता है बेस होता है, मतलब ये बेस क्या होगा 4 हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब जैसे कि ये ए सी निकालने के लिए फॉर्मूला बताया मैं कि पाइथागोरस से लाएंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 9 25 मतलब 5 आएगा ये वाला। अब देखिए 10 निकालते हैं, हमें देखिए 10 की वैल्यू निकाल लीजिए,
टेन ए की वैल्यू क्या होगी, टेन ए को पंडित पति प्रथा हर भोले, मतलब कि ये जो एंगल बनेगा वो टेन परपेंडिकुलर होगा, 3/4 आएगा। पुट कर दीजिए 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। अब हम पहले इक्वल कर देखते हैं ठीक है या नहीं, वो तो लास्ट में पता चलेगा। अब इसमें देखिए कॉस ए वैल्यू पता कर लीजिए, कॉस ए वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन एच होता है, बी वैल्यू यहाँ कितनी है 4 है और एच वैल्यू 5 है, इक्वल्स टू 4/5 का स्क्वायर करिए माइनस। साइन ए वैल्यू पता करिए, साइन ए वैल्यू क्या पी अपॉन एच होता है, पी वैल्यू क्या 3, एच वैल्यू 5 है, तो -3/5 का होल स्क्वायर। अब करिए इक्वल, देखिए ये वैल्यू क्या होगी, 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 16/25 -9/25 ठीक है। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या 16 - 9/16 हो जाएगा ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू क्या होगी 16 + 9/16 हो जाएगा वोल्टी। जब इसे 9 करेंगे आप 16 में से तो आपको कितना बचेगा 6 7 8 9, बस 7/16 बचेगा और जी आप आपको वैल्यू कितनी होगी 25/16 मिलेगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी 7/25 बचेगा वैल्यू ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये जब वैल्यू 7/16 × 16 × 25 = 7/25 बचेगा वैल्यू नहीं बचेगा, देखते हैं 16 से 16 कट गया यस, कि आपको देखो 7/25 यहाँ आ रहा है और 7/25 यहाँ आ रहा है, मतलब कि ये चेक मतलब यस है।